सासुर मंदिर। केरला का वो प्राचीन मंदिर जो बाकी मंदिरों से अलग है। यहाँ किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, यहाँ इंसान को उनकी बाधाओं से मुक्त कराया जाता है। चाहे बात भूत प्रेत की हो, किसी तंत्र मंत्र से छुटकारा पाने की, या फिर अगर कोई शैतानी शक्ति आपके शरीर को वश करके बैठी हो, तो इसी मंदिर में युगों युगों से लोग ऐसी बाधाओं के निवारण के लिए आते हैं। और इतिहास गवाह है कि यहाँ जो भी ऐसी समस्या लेकर आया वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। कहते हैं इन गुफाओं में आने के बाद शैतानी शक्तियां कभी बाहर नहीं निकल पाती, यानी हमेशा के लिए कैद हो जाती है। हाँ ठीक है, क्या हुआ? आज सुबह तू जल्दी जो उठ गया? मेरे जल्दी उठने से शौक लग गया। अरे जो मैं करने वाला हूँ ना, उससे तो हिल जाओगी। ए हीरो, एग्जाम 11 बजे है, 9 बजे क्या करने आ गए? घर में ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था इसलिए आ गया। भोजना था जो भी पढ़ा है वो एग्जाम में आ जाए। अरे काय को ऊपर वाले के नसे फाड़ रहा है तू? 9 सब्जेक्ट में फेल हो चुका है, आज 10 का राउंड फिगर बना ले फिर पार्टी करेंगे। बनना है तो मेरी तरह बन। मैंने कल नाश्ते से लेकर डिनर तक के टाइम में सारा थर्मोडायनामिक्स सिर्फ पढ़ा नहीं पूरा रट लिया है। ए थर्मोडायनामिक्स लास्ट ईयर के कोर्स में था, आज हाइड्रोकार्बन्स का एग्जाम है। पूरे साल बुक को हाथ भी नहीं लगाते, एग्जाम से पहले पढ़ के क्या पास हो जाओगे? चलो अंदर आ जाओ। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। टाइम बहुत कम है, जल्दी क्वेश्चन पेपर दीजिए ना। आज ही इतना जल्दी में क्यों है? क्लास में तो कभी टाइम पर नहीं आया। घंटे बज गए। हे, लास्ट ईयर भी ऐसी हुआ था, मैं बुक चाट रहा था और तू खट्टी इमली चाट रहा था, जबकि तू प्रेग्नेंट भी नहीं था। चल अंदर चलते। जय गणेशा करना पास, हमेशा जय गणेशा करना पास। छोड़ो बेकार की फॉर्मेलिटी, कौन करेगा? तुम एग्जाम नहीं देना? अपना असूल क्लियर है, एग्जाम देकर पेपर वेस्ट नहीं करने का। आप ही तो हमेशा कहती थी ना, सेव प्लांट सेव पेपर सेव नेचर। आपकी बात पर अमल कर रहा हूँ। As a responsible citizen of this planet, I'm quitting this exam. बेवकूफ। Supplement? हाँ? Supplement, madam. Supplement. कुछ आता भी है या आंसर शीट्स पे सिर्फ क्वेश्चन लिखकर इंप्रेशन झाड़ रहे हो? बाद में। ये हो गया फ्यूचर ब्राइट। मैडम इतनी जल्दी एग्जाम हो गया? हो गया मैडम। गुड, अब बैठ जाओ। अर्जेंटली कहीं जाना है। अभी भी 40 मिनट बाकी हैं, जाकर बैठ जाओ। मैडम शादी के लिए जाना है। शादी मिस हो तो रिसेप्शन पे चले जाना। मैंने गया तो शादी नहीं होगी मैडम। क्यों? क्योंकि उस शादी का दूल्हा मैं ही। सप्लीमेंट को गांठ मारते ही डाउट हो गया था। मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था। आप तो मेरी बड़ी बहन की तरह हैं मैडम, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छा ठीक है ठीक है, तुम जाओ, चलो जाओ। ऑल द बेस्ट गाइस, आज शाम 7 बजे सागर पैलेस में शादी की पार्टी है, पहुंच जाना सब लोग। मैडम आप भी आना अपने बॉयफ्रेंड के साथ। ए मैडम पाई लगा। अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी भी शादी है? शादी उसकी है, मैं तो बस बराती बन के जा रहा हूँ। तो तुम्हें क्यों आशीर्वाद चाहिए? वो क्या है ना, वो जो करते हैं मैं भी वही करता हूँ, कल को मेरी भी शादी होगी ना। जाओ। थैंक यू मैडम। और किसी को शादी में जाना है क्या? सुपर सुपर
सुपर। दंगल फिल्म वाकई बहुत अच्छी है। अगली बार बालकनी में देखेंगे, ठीक है? अगली बार सलमान की। हाँ, लेकिन ट्यूबलाइट अच्छी होगी तभी देखेंगे, वरना नहीं। नहीं नहीं, शादी हुई है। हाँ, पिछले महीने। मेरी भी हो जाएगी एक घंटे बाद। भाई बात सुन, एक घंटा बचा है, शादी का ख्याल दिमाग से निकाल दे। अरे चल चल निकल। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। अरे सुनो, क्या मैं आ जाओ। नमस्ते सर। ये शादी होने के बाद अगली शादी तुम्हारी है, रेडी रहना। ओके सर। थैंक यू सर। खाओगे? नहीं नहीं। कौन है ये? मेरा फ्रेंड है। शुभ कार्य में गाय को कुछ खिलाना अच्छा होता है, भैंस को नहीं। देश का भुखमरी तेरी वजह से आएगी। वैसे अपनी दुल्हन का नाम तो बता। आयशा। आयशा? तेरी वो आयशा मलेशिया से आ रही है क्या? आ रही होगी। शादी लंच टाइम तक हो जाएगी कि तुम लोगों ने मेरे खाने पीने का इंतजाम किया है? ओए, आयशा आ गई है। थैंक्स बेटा। वेलकम। बेटा जरा। नमस्ते। थैंक यू। खुश रहो। घंटी बज रही है पर वो फोन उठा नहीं रही है। अरे यार, ड्राइव कर रही होगी। तू चिल मार, चला जा चाय पीते, चल। ए, हार कहाँ पे? अरे यार, अंदर ही भूल गया। अरे मौसी, मेरे हार हैं। तुम्हारे हार का मैं क्या करूंगी? 50 साल पहले मेरी शादी में सुबु ने भी यही हार पहनाए थे। ओ, शादी का नाम सुन के शर्मा गया। ऐसा ही समझ लो, मैं चलता हूँ। सुनना, दिल में कुछ बात है, तू गाली नहीं देगा तो बोलूं? चल बक। ये बेचारा आशिक अपनी आशिकी का इंतजार कर रहा है, पर मुझे नहीं लगता है वो आएगी। मनुष कह क्या? बधाई हो। थैंक यू सर। सुनो, तुम्हारी दुल्हन आई? बस आने वाली होगी। अभी तक नहीं आई है। तुम्हारे लिए और कितना रुकना पड़ेगा यार। बारिश नहीं हो रही है फिर भी अपने छाता पकड़ा है। सर 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 सर, थोड़ी देर और। क्या बात है? मेरे दोस्त की दुल्हन। बोल रहा हूँ ना, शादी नहीं हो पाएगी। समझो भाई, सही कहा ना मैंने? जाइए सर। प्लीज मेरी बात सुनिए सर, उसके बारे में मैं संभाल लूंगा सर। रोमांस के लिए लड़की अवेलेबल होती है, जैसे ही शादी की बात की वो भाग जाएगी, फोन की तरह नॉट रीचेबल। फिर क्या करोगे? आज के लड़के बेचारे बहुत सीधे होते हैं, लड़की को मना मना के टाइम वेस्ट करते हैं बस। जरा सोचो, लड़की जब अपने माँ बाप की ही नहीं हुई तो तुम्हारे दोस्त की क्या खाक होगी? सुनो बेटा, जाके अपने दोस्त को संभालो, लड़की के चक्कर में कहीं पागल ना हो जाए। सर, ए अर्जुन, ए सुंदर, तू हिम्मत मत हार यार, सब ठीक हो जाएगा। यहीं रुक, मैं बाइक लेकर आता हूँ। सुनो, तुम लोग टेंशन मत लो, मैं प्यार में हारा हूँ, जिंदगी में नहीं हारा।